के बाद अब तमाम पार्टी जो है अब अंतिम चरण में लगातार अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। आपको बता दें कि मात्र अब कुछ ही दिन शेष रह गए मतदान में। ऐसे में द न्यूज पोस्ट की टीम इस वक्त पहुंची हुई है टुंडी में। आइए हम टुंडी की आम पब्लिक से बातचीत करते जानते हैं कि क्या है यहाँ के लोगों की समस्या, आखिर कैसा सांसद और कैसा प्रधानमंत्री इस बार टुंडी की जनता देखना चाहती है। तो आइए हम चलते हैं क्योंकि हमारी अब की बार किसकी सरकार की टीम पहुंच चुकी है, तो सीधा हम चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। आए तो हम टुंडी बाजार के अंदर आ गए हैं, यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आप बताइए कि कितना संतुष्ट हैं आप अपने अभी सरकार से? सरकार से तो पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन माननीय सांसद जो हमारे वो 5 साल में कभी नजर ही नहीं आए। कभी आपने पूछने का प्रयास किया या यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया? कोई मतलब ही नहीं, किससे बात करेंगे? चुनाव आ गया है तो नहीं आ रहे हैं, चुनाव में भी नहीं है। क्या सोचा है कि किसको बनाएंगे आप इस बार सरकार के तौर पर? अब ये तो उस टाइम जब वोट देने अभी डिसाइड नहीं, बता रही है क्यों बताएंगे अपना मतदान किसको देंगे। फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि यहाँ पे जो बिजली पानी की इन तमाम चीज की जो समस्या है उसे कौन आपको निजात दिलाएगा? कोई नहीं, ना एक हमारा विधायक भी तो उसी तरह है। अरे सबसे बड़ा समस्या हमारा माननीय सांसद 5 साल से गायब है, नजर ही नहीं आते। लोग जाते हैं तो मिलते हैं नहीं। कहाँ जाएंगे? उनके आवास पर रामगढ़। कहाँ ऑफिस है उनका? इधर कहीं ऑफिस ही नहीं है। यानी कि बस चुनाव के वक्त वो आते हैं, हालांकि इस बार नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। महंगाई के बारे में बताइए कि महंगाई का क्या असर दिख रहा है अभी? महंगाई इस बार हम लोग को लग रहा है जिससे इस हिसाब से 10 साल में हम लोग बहुत कुछ देखा है। इतना महंगाई हम लोग जिस हिसाब से आपका गैस सिलेंडर हो गया, चाहे राशन हो गया, बहुत चीज़ का, जैसे हमारा गैस सिलेंडर जैसे 2013 में हमको लगता है 370 रुपये था और अभी हम लोग का 1100 रुपया है। उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि सरकार हम लोग का परिवर्तन चाहिए हम लोग को, अब क्योंकि अभी सरकार चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार का बदलाव चाहिए हमको। आप बताइए कितना संतुष्ट है आप सरकार से? बदलाव तो चाहिए, इसलिए कि बहुत हालत खराब है देश का, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हर चीज में परेशानी है, लाइन में, अभी पानी में बहुत दिक्कत, हर चीज का दिक्कत। कैसे यहाँ के लोग रहते हैं फिर, पढ़ाई लिखाई के लिए? हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत व्यवस्था खराब है। अभी तो ऐसे भी लड़की लोग पढ़ने में बहुत तेज है, हम लोग का जगह पर हुआ कि 400 लड़की पास हुआ, 50 को लड़का पास हुआ। लड़की लोग का थोड़ा है, कुछ सुविधा है या नहीं है? सुविधा है, लड़की लोग के लिए सुविधा है। आप बताइए भैया कि क्या कितना संतुष्ट है आप सरकार से और क्या समस्या है? सरकार से संतुष्ट नहीं है हम लोग, इस बार सरकार से संतुष्ट नहीं, हम लोग को बदलाव चाहिए हम लोग को। हाँ, बदलाव चाहिए हम लोग को, टुंडी की जनता बदलाव चाहती है। आप बताइए कितना संतुष्ट है आप सरकार से, क्या समस्या है? बहुत समस्या है, बिजली पानी हर चीज का समस्या है इसमें। अभी बाजार कैसा चल रहा है? ठीक है, बाजार है, महंगाई इतने हो गया ना कि इसका कोई हिसाब ही नहीं, कोई हिसाब नहीं। तो क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार आए इस बार कि लोगों की समस्या का समाधान? देखिए, सरकार चाहते है क्या कि जो जमीनी स्तर से काम करे, विकास के हिसाब में, विकास। कैसी सरकार आप देखना चाहते हैं? जैसा सरकार चल रहा है वैसा सरकार देखना चाहते हैं, और क्या चाहिए? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है, इतना डेवलपमेंट है जी। नहीं, मोदी जी इतना काम कर रहे देश के लिए, जो सरकार है वही लाएंगे केंद्र पे, तो मोदी ही जी रहेंगे, उन्हीं को लाना है। कह रहे कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, समय के अनुसार महंगाई बढ़ना भी जरूरी है। जैसा काम कर रहे हैं तो महंगाई जी, मोदी जी वैसा काम करते हैं, जगह जगह पे अपना काम किए, जो चाहिए था लोगों को, जो डिमांड किया गया था वो किए जी। जी बिल्कुल, मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। आप बताइए कि कैसी सरकार आप देखना चाहते हैं और क्या टुंडी में कोई समस्या जिससे लोगों को निजात मिलना चाहिए? टुंडी का जो समस्या था पहले भी, वो आज भी बना हुआ है, वो है स्वास्थ्य का। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी में कोई डॉक्टर आपको मिलने वाला वहाँ नहीं है, रात के समय तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो कभी इसके बारे में जो आपके सांसद हैं उनसे मिलकर आपने बातचीत करने की? सांसद का दर्शन ही नहीं होता है, सांसद का चेहरा देखना ही बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अभी चुनाव के वक्त भी दौरा नहीं कर रहा? नहीं, चुनाव से पहले भी नहीं, चुनाव में भी नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं। मतलब उम्मीद है कि शायद अब आखिरी समय में आ जाए। आके ही क्या करेंगे, जब 5 साल में नहीं आया तो आके क्या करेंगे?
परिवर्तन होगा सांसद का? बिल्कुल, तो सांसद का परिवर्तन होगा। यहाँ के लोगों की यही शिकायत है कि सांसद जो है इन 5 सालों में कभी यहाँ पर नहीं आए। जो यहाँ की समस्या है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अगर चाहिए कोशिश करते कुछ और लोग से बातचीत करते। आप इतना संतुष्ट हैं आप सरकार से, क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं इस बार? देखिए, जो अभी जिस सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से आदमी को ऐसा युवा के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे बेरोजगार भी बढ़ रहे हैं, समझे? तो इस बार इलेक्शन में ऐसा होना चाहिए कि मुद्दों पर वोट लेना चाहिए, ना कि जुमलों पर। तो हम लोग युवा के लिए कुछ सोचे, सरकार कोई भी आए पर नीति पे वोट ले और अपना काम पे वोट ले, बस यही सब। सरकार कोई भी हो जो युवाओं के लिए काम करे, जो जुमलेबाजी ना करे और युवाओं के लिए काम करे, ऐसी सरकार चाहते हैं। आप बताइए कि कैसी सरकार आप देखना चाहते हैं? बताइए कैसी सरकार आप देखना चाहते हैं? सरकार देखिए, पहले जो थी 70-72 साल कांग्रेस भी रही है और 10 साल बीजेपी सरकार भी रही है। अब बीजेपी सरकार में काम कोई खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यही है कि रोजगार हर जिले में देना चाहिए, फैक्ट्री जैसे होता है हर जिले में फैक्ट्री देना चाहिए। और काम देखिए हर चीज़ के देखने, मुद्दा राम मंदिर बन गया या कुछ बन गया, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हिंदू है या मोहम्मदन है वो नहीं देखना है जनता, मतलब मोदी को। हाँ, जो जनता के लिए काम करे वही देखना है सबको। लेकिन हाँ, महंगाई जो है, आबादी बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी आप चाहते हैं कि वापस से मोदी सरकार है लेकिन काम करे। काम करे, लेकिन जो यहाँ का नेता है वो देखता ही नहीं, ध्यान नहीं देता है। ठीक है, ऊपर बढ़िया रहने से क्या होगा, नीचे बढ़िया नहीं है। आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बस एकदम सही बात है, बाकी बोलने में आप लोग आगे पहुंचाइए बात को। तो टुंडी की जनता का यही मानना है कि इनकी आवाज जो है वो ऊपर तक नहीं आ रही। आप बताइए भाई, कितना संतुष्ट हैं आप अपनी सरकार से? हम क्या बताएंगे, हमको नॉलेज नहीं है। पानी बिजली की कोई समस्या आप लोगों को? महंगाई बिजली का तो समस्या होते रहता है, बिजली का समस्या होते रहता है। 24 घंटा में 8 घंटा बिजली भी नहीं मिलता है, बिजली का समस्या होते रहता है। बताइए कैसी सरकार देखना चाहते हैं आप इस बार? नया सरकार देखना चाहते हैं, मोदी सरकार। मोदी सरकार ही क्यों, मोदी सरकार को देखना? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम किया है, बहुत काम किया है। कौन सा काम किया है? 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, जो हमारा हम लोग का मुद्दा था। हम लोग का फायदा नहीं, जिसको फायदा है वो कश्मीर वाला, उस लोग का फायदा हुआ। काफी लोग कह रहे हैं कि महंगाई ही बढ़ गई इसके बारे में। महंगाई तो बड़ा है, तो क्या करेगा, जो सरकार आएगा वो महंगा नहीं घटा सकेगा। महंगाई कोई नहीं घटा सकेगा, जो सरकार आएगा वही होगा। तो बिल्कुल, आपने सुना, हमने टुंडी में तमाम लोगों से बातचीत की। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सबका यही कहना है कि जो बेसिक पानी बिजली की समस्या है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये है। इन लोगों ने ये भी बताया कि सांसद यहाँ पर कभी दर्शन नहीं देते हैं। अभी तक चुनाव की तारीख भी आ चुकी है लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं आए, लेकिन उम्मीद होता है कि शायद अब वो दिखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर 5 साल के बाद वो कभी नज़र नहीं आएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद अगर केंद्र में मोदी सरकार को लाना है तो यहाँ पर उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी कि ये भी लोगों ने बताया कि नीचे से जो लोकल जो प्रतिनिधि है वो आवाज उठाकर नहीं पहुंच पा रहा है केंद्र तक, और यही वजह है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए, जुमले वाली सरकार इन लोगों को नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि क्या कुछ फैसला करती है टुंडी की जनता इस बार, और इस बार कौन निकल कर आता है सामने सरकार के रूप में। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ प्रोज, धनबाद।